हफ्ते भर के अंदर दिल्ली में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली में महज हफ्ते भर के अंदर एक बार फिर भूकंप के झटके आए। इस बार नागलोई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिक्लोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। सामने आ रही शुरुआती जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:02 पर झटकों को महसूस किया गया। फिलहाल जान मान के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को भी भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। हालांकि इस दौरान भी किसी तरह का कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि तब तीव्रता कम थी और रिक्टर स्केल पर 2.7 तीव्रता मापी गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र गाजियाबाद में था। बता दें कि अप्रैल के बाद दिल्ली एनसीआर में इस बार 15 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन सभी भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही था। गौरतलब है कि देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जताई कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कभी भी बड़ा भूकंप जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर CP राजेंद्र भी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली NCR में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है।